गुड मॉर्निंग 10th क्लास, आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं वापस। मैंने आपको पॉलीनोमियल सिखाया था, पॉलीनोमियल चैप्टर आपको पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट था कि सब पॉलीनोमियल नहीं पढ़ाया गया है, तो उनके लिए ऐसा करते हैं पॉलीनोमियल को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, जिस बच्चों को आता है उनका रिविज़न हो जाएगा, जिनको नहीं आता वो सीखें, ठीक है। चलिए पॉलीनोमियल सीखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ एलजेब्रा के, उसके बाद हम पॉलीनोमियल सीखेंगे, ठीक है। जिसको ज़रा भी एलजेब्रा के बारे में नहीं पता, एलजेब्रा क्या है, कैसे है और पॉलीनोमियल क्या होता है, इसके बारे में ज़रा भी नहीं पता, तो सबसे पहले हम उसको समझ लेंगे। एलजेब्रा क्या है? एलजेब्रा देखिए, मैं एक एग्जांपल नहीं बताता हूँ, 1 × 0 तो आंसर क्या है 2 × 0 आंसर क्या है 0, 5 × 0 आंसर क्या है 0। तो क्या मैं इन सब ये इसी तरीके से और भी आगे बढ़े, तो यदि हम 15 × 0 करें तो भी आंसर क्या आएगा 0। तो हम इन सब चीज़ों को ना लिख के हम एक सिंगल लाइन में एक बात लिख सकते हैं, n × 0 = 0। यहाँ पे n क्या है? n एक नंबर हो सकता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, लेकिन नंबर कुछ भी हो सकता है। n क्या है? एक नंबर, ठीक है। n क्या है? एलजेब्रा क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो मैंने क्या बोला, मैंने इतना बोला कि 1 × 0 = 0, 2 × 0 = 0, 5 × 0 = 0, 15 × 0 एंड एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले लो, तो किसी भी चीज़ का यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो हम इन सब बातों को ना लिख के एक साथ एक सिंगल बात लिख सकते हैं, n × 0 = 0। n क्या है? यहाँ पे एक नंबर है, इट इज अ नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम भी क्या जाना, इस एग्जाम्पल से हमने जाना 5, 8, 9 या ऐसा ही कोई नंबर, ये क्या कहलाता है, इनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इनकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। यदि मैं बोल रहा हूँ 5 rupees हैं, तो इसका मतलब 5 rupees और 50 rupees नहीं हो सकते, तो इसकी एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि ये 5 5 ही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यदि हम बात करें एक एक्स वाई, ये क्या कहलाते हैं, ये वेरिएबल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, क्यों, क्योंकि इनकी कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, नॉन फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। कहने का अर्थ ये है कि ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2/3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे n जो है वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे n क्या कहलाएगा, n वेरिएबल, n क्या है, एक वेरिएबल, क्योंकि इसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, नॉट फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, आई होप समझ में आया होगा, हमें अलजेब्रा समझाने की कोशिश कर रहे थे। अलजेब्रा सब्जेक्ट क्या होती है, ये मैथ का एक पार्ट होता है, मैथ सब्जेक्ट का एक पार्ट होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हमने देखा कि 1 × 0 से गुणा किया तो 0 आता है, 2 × 0 से गुणा किया तो 0 आता है, इसी तरीके से किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो एन पे यदि हम 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। एन क्या है, तो एन को एन एक नंबर ही है, एन एक नंबर ही है, तो इतने सारे नंबर वहाँ लिख के हमने सिंगल एक इंग्लिश का अल्फाबेट इस्तेमाल कर लिया, n = 0 = 3। एन क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि इसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हमने जाना, यदि 5, 8, 9 या ऐसे कोई भी नंबर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट उनको बोलते हैं जिनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ए एक्स वाई, ये इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं क्योंकि इनकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। ओके, तो ये सारा कंबाइंड करके हम एक साथ लिखते हैं, सबसे पहले हम कुछ टर्म डालते हैं, क्या कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट से बोलते हैं जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे 5
850 रूट 5 रूट 80 प्लस 2/3 8/9 ये सारे क्या है कॉन्स्टेंट है क्योंकि एक फिक्स मेथड वैल्यू है। इसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। पोजीशन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट एंगल टू नॉट फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और एग्जाम्पल इसका ए एक्स वाई जेड बी सी एस, ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते, इसे हिंदी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा आवा से इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आवा सा, ठीक है। तो ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें लिमिट नहीं होता है, लेकिन आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने बताया कॉन्स्टेंट क्या होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स, वेरिएबल क्या होता है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती। इसके बाद मैथ ऑपरेटर, मैथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथ ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये जो ऑपरेटर्स होते हैं जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं जिनको हम मैथ ऑपरेटर्स बोलते हैं, केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही मैथ ऑपरेटर नहीं होते, इससे ज़्यादा भी होते हैं जैसे कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अभी तक आपने वो सब नहीं पढ़ा इसलिए मैं उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। मैथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बस इतना समझ लो। तो हमने क्या क्या किया जाना कि कॉन्स्टेंट किनको बोलते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल किनको बोलते हैं, ऐसे ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। मैथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये मैथ ऑपरेटर्स होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड मैथ ऑपरेटर, ये एंड का साइन है, चाहे तो एंड लिख लो, एंड मैथ ऑपरेटर्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट वेरिएबल एंड मैथ ऑपरेटर्स को मिला के जो चीज बनती है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस रूट थ्री एक्स क्यू, ओके, माइनस टेन, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें देखिए वेरिएबल आ गया एक्स, फाइव यहाँ पे क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, और प्लस माइनस की क्या है यहाँ पे मैथ ऑपरेटर्स हैं, 16 तो ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया कॉन्स्टेंट क्या होता है, ऐसे ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है उनको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जैसे 5.10 होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, जैसे ए बी एक्स वाई जेड, आवासा कुछ भी। मैथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथ ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही जो आप बचपन से पढ़ते आए उन्हीं को मैथ ऑपरेटर। फिर उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल मैथ ऑपरेटर्स को मिला के जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल ही होंगे, इसके अलावा एग्जाम्पल ले लें रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, ये भी एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड, इसके अलावा आप यूज ले सकते हो जैसे कि एक्स क्यू प्लस वन अपॉन रूट एक्स रूट थ्री एक्स प्लस एट एक्स, ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ भी आप कुछ भी अपने मन से एक्स कॉन्स्टेंट ले लो, वेरिएबल ले लो, मैथ ऑपरेटर ले लो, और एक एग्जाम्पल ले लो एक्स वाई प्लस जेड एट जेड माइनस टेन जेड स्क्वायर प्लस एट्टी एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे तीन वेरिएबल, ठीक है। तो आई होप समझ रहा है वो कॉन्स्टेंट वेरिएबल मैथ ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके बाद कॉन्स्टेंट वेरिएबल मैथ ऑपरेटर्स को मिला के जो बनता है उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, और ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
ये सारी चीज़ें समझ में आई हूँ। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अभी आपको बोर्ड में आएगा, ऐसा कुछ कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बोर्ड में आएगा, लेकिन ये आपको पहले से पता होगा तो आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं पॉलीनोमियल, जो हमारा चैप्टर है, हमारा सिलेबस का पार्ट है पॉलीनोमियल। ठीक है, पॉलीनोमियल, अब ये पॉलीनोमियल क्या होता है, बुक में इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है मैं समझा देता हूँ। बुक की डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आने वाली जब तक मैं आपको समझाता नहीं, या कोई टीचर आपको नहीं समझा देता जब तक आपको पॉलीनोमियल का डेफिनेशन समझ में नहीं आने वाली। बुकों में क्या लिखा होता है, ए नॉट प्लस ए वन, ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब ए एन एक्स पावर एन, इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, बुकों में डेफिनेशन मिलती है कि ये इस तरीके से जो लिखा होता है इसकी इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और लिखा होता है यहाँ पे ए जीरो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपको कॉन्स्टेंट्स ही पता होगा तो आप कैसे समझ पाओगे इस डेफिनेशन। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक्स क्या है, पीरियड। ठीक है, एक्स क्या है, पीरियड। तो ये डेफिनेशन मिलती है कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स और इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसको पॉलीनोमियल बोलते हैं। ए वन एंड ए जीरो ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सारे कॉन्स्टेंट और एक्स यहाँ पे वेरिएबल। ठीक है, इसको पॉलीनोमियल बोलते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम मैं इसको समझाते हैं, हम यही चीज़ समझाएंगे लिखना भी क्यों जरूरी। ओके, तो पॉलीनोमियल सबसे पहले अभी तक हमने क्या समझाया, कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और उसके बाद हमने बताया मैथोमेटर क्या होता है। इन तीनों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा आई थिंक। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीनोमियल। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको हम पॉलीनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इस बात को समझते हैं। पहली बात तो कुछ बच्चों को इंटीजर नहीं पता होगा, तो पहले इंटीजर समझो, इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले इंटीजर समझाने से पहले थोड़ी सी और थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, काउंटिंग नंबर सिखाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। किसी बच्चों को ऐसे पढ़ाया जाता है कि 1/2, 2/3, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। सबसे पहले बच्चों को काउंटिंग नंबर सिखाया जाता है, काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग नंबर इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या होते हैं जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 4। ठीक है, इन्फिनिटी का साइन अनंत तक चलता रहेगा, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होगा, चलता रहेगा। यही क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, 1 2 3 4। किसी बच्चों को ऐसा नहीं पढ़ाया जाता बेटा पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसा नहीं पढ़ाते। सबसे पहले पढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 एंड 4, दिस इज नेचुरल। ठीक है, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए नेचुरल नंबर ये बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, किसी के पास एक सेब है तो क्या बोलेगा, एक सेब है, एक सेब। किसी के पास 50 सेब है तो वो बोलेगा 50 सेब है। लेकिन किसी के पास एक भी सेब नहीं है तो वो क्या बोलेगा, बताइए कोई नंबर है क्या हमारे पास। तो इन नंबरों से हमारा काम नहीं चला, तो हमें नंबरों को पढ़ाने की जरूरत पड़ी, तो हमें कौन से नंबर की जरूरत पड़ी, ये तो हमें नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको काउंटिंग नंबर सुनाने भी बोल देते हैं, ऐसे इसका नाम होता है नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर। इसके बाद हमें इन नेचुरल नंबर से हमारा काम नहीं हुआ, हमें और नंबर्स की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया, इसको और नंबर्स को बढ़ाया और हमने क्या किया, होल नंबर, एक होल नंबर्स बनाया। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 0 एक और नंबर हमने इसमें ऐड कर दिया, इसमें तब वो क्या कहलाए, होल नंबर कहलाए, क्या कहलाए, होल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास नंबर है कि भाई तुम्हारे पास एक भी सेव नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास 0 सेव है, हमारे पास 10 सेव है, ठीक है, 10 सेव है, एक भी सेव नहीं है तो 0 सेव करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब यदि किसी के पास 0 सेव, अब यदि किसी को जरूरत ऐसा हो कि एक बच्चा ये है ए बी सी, इसके पास कितने थे, 0 सेव, इसके पास कितने थे, 10 सेव,
सी, सी के पास क्या थे, एक भी सेव नहीं है, सी के पास एक भी सेव नहीं है, बल्कि उसको बी के पांच सेव लौटाने हैं, बी के पांच सेव लौटाने हैं, उसने एक दिन पहले पांच सेव दे रखे थे, उसको पांच सेव लौटाने हैं। अब इस बात को कैसे लिखोगे, पांच सेव मतलब इसके पास पांच सेव, हमें ये बताना है कि इसके पास एक पांच से इसको लौटाने, अब ये लौटाने वाला शब्द कैसे लिखे, ठीक है, अब तुम लिख बोलोगे कि सर यहाँ पे लिख दो पांच से लौटाने, है ना, लेकिन मैथ में ऐसा नहीं, तो मैथ में ये समस्या आई कि भाई इतने नंबर्स, इन नंबरों से हमारा काम नहीं करना, इस नंबर को और बढ़ाना चाहिए, तो क्या किया गया, हमने एक और नंबर्स को और बढ़ाया, और हमने क्या बनाया, इंटीजर्स बनाए, इंटीजर्स क्या होता है, यही नंबर्स जीरो वन बढ़ाते जाओ 4, 5, 6 आगे तक, ठीक है, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ इसमें माइनस लगा के जो इसी नंबर्स को यहाँ पे लिखना शुरू कर दो, -1, -2, -3, -4, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स कहलाएंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सो ऑन, इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, इस तरीके से इनमें कहीं पे भी 2/3 नहीं आएगा, कहीं पे भी 1/2 नहीं आएगा, ठीक है। इंटीजर्स में अभी हमने पॉइंट ऑफ की बात ही नहीं करी, अभी तो हमने अपॉन की बात ही नहीं करी, हमने इंटीजर्स जाना क्या होता है, यही नेचुरल नंबर प्लस के और माइनस के और बीच में जीरो और इंक्लूड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा, ठीक है। तो अब यदि पाँच से हैं, यदि पाँच से इसको इसको लौटाने तो हम लिखेंगे -5, यानी कि इसके पास एक भी सेव नहीं है, जबकि इसके पाँच से लौटाने और इसको कैसे लिखेंगे, -5 आगे बस में, तो यानी कि हमारे पास एक इंटीजर इसके आगे भी नंबर होते हैं, इसके बाद रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, कंट्रोल, ठीक है। तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अभी बस मेरे को ये इंटीजर सब समझाना था, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें समझाई, ओके। चलिए ओके, तो पॉलीनोमियल क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर यानी कि एक्सपोनेंट पावर, वेरिएबल की पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीनोमियल, ठीक है। ये चीज़ आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी होगी तो भी यहाँ पे मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से, आज थोड़ा बेसिक समझा रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं पाएंगे, कोशिश करते हैं। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर, उसे हम पॉलीनोमियल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल x² + 3x + 3 क्या ये पॉलीनोमियल है, हाँ ये पॉलीनोमियल है, यहाँ पे आपको वेरिएबल का दिख रहा है x और ये x, इसमें पावर कितनी है 2, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे पावर क्या है 1, ठीक है, 1 और 2 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर थे, अभी पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि ये क्या है, तो पॉलीनोमियल है, ओके। ये फॉर एग्जांपल लीजिए, मैं बताता हूँ, लिख लेते हैं इसमें x² + 3x, ये पॉलीनोमियल है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं x + 1/x, क्या ये पॉलीनोमियल है, तो आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ ये पॉलीनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, नहीं ये पॉलीनोमियल नहीं है, क्यों नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको लिखेंगे x + 1, यहाँ पे लिख लो, ये x की पावर 1 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या लेंगे, माइनस के बराबर, ओके, ये x की पावर 1 और ये 1/x है, यहाँ पे x की पावर, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस 1 हो जाएगी। अब देख के बताइए, यहाँ पे ये वेरिएबल और ये वेरिएबल है, यहाँ पे इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये क्या है, पॉलीनोमियल नहीं है। आई होप समझ में आया होगा, ये पॉलीनोमियल नहीं है। और एक बार एग्जांपल लेके बताता हूँ, x² + 1/x² क्या पॉलीनोमियल है, नहीं है, क्यों नहीं है, x² + x^-2। और एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ, 10 50x³ + 3
3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x है, ठीक है। क्या ये पॉलीनोमियल है? ये भी पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि अपॉन में x को हम ऐसे लिखेंगे 50x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 और x की पावर माइनस 1, तो यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर हो जाएगी, इसलिए पॉलीनोमियल, ठीक है। और एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ, पॉलीनोमियल में यहीं तक बेसिक समझाया मैंने, आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझना होगा क्या होता है पॉलीनोमियल, तो हम बात सबसे डेफिनेशन पे जाते हैं। a नॉट प्लस a वन एक्स प्लस a टू एक्स स्क्वायर प्लस a थ्री एक्स क्यूब प्लस a फोर एक्स पावर फोर एक्स फोर, ठीक है, पावर n x की पावर n, ये पॉलीनोमियल है। इस तरीके की जो फॉर्म होती है उसको पॉलीनोमियल बोलते हैं। और यहाँ पे a नॉट a वन a टू ये सब क्या है? कॉन्स्टेंट्स, ओके। और यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल, ओके। देखिए a नॉट एक कॉन्स्टेंट है, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर होगा 5 मान, प्लस a वन एक नंबर होगा यानी मान लो 8x, ठीक है। a टू एक नंबर होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि 3 हो, और x स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर a3 भी एक नंबर है यानी कि 13 मान लो x की पावर क्या है, ठीक है। इसके बाद a4 0 मान लो, a5 0 मान लो, a6 0 मान लो और x की पावर 4 कर दो, तो 0 का किसी भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 होता चला जाएगा भाई। इसको 0 * x की पावर 4 मान लो, प्लस 0 * x की पावर 5 मान लो, एंड सो ऑन, सारे 0 बनाते चले जाओ इसके आगे के नंबर्स, तो ये क्या बन जाएगा? इन सबको लिखना ना लिखना एक बराबर, तो ये क्या है? एक पॉलीनोमियल, ठीक है। तो पॉलीनोमियल के मैंने एग्जांपल्स दूँ, पॉलीनोमियल्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, तो देखो हो सकता है ए जीरो एक नंबर हो 5, इसके बाद सारे ये टर्म्स जीरो होते चले जाए तो क्या हो जाएगा? ये एक पॉलीनोमियल, ठीक है। या हो सकता है कि ये भी हो, ये भी हो, 5 माइनस 5 एक्स, तो ये भी एक पॉलीनोमियल, इसमें एक, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है, जबकि इसमें एक वेरिएबल है, ठीक है, ओके। इसके बाद यदि हम और एक एग्जाम्पल ले लें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 15x माइनस के 13x स्क्वायर, तो ये भी एक पॉलीनोमियल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स को भी बना सकते हो, बहुत सारे पॉलीनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया पॉलीनोमियल क्या होता है। और एक और एग्जांपल देता हूँ, देखिए a नॉट एक कांस्टेंट हो तो इसकी जगह पे मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 5 ही नहीं आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो 50 ले, ठीक है। ए वन भी एक कॉन्स्टेंट है तो माइनस के 3 ले लेता हूँ, माइनस के 3x, ठीक है। ए टू भी एक कॉन्स्टेंट है तो इसको क्या ले सकता हूँ? 13x स्क्वायर ले लेता हूँ, 13x स्क्वायर। ए थ्री भी एक कॉन्स्टेंट है तो मान लो माइनस का 8 ले लो, ए थ्री माइनस का 8 एक्स का 8, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ भी लिख लो तो वही पॉलीनोमियल ही बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गौर करिए कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या जानने को मिला कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर हर समय क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीनोमियल बोल रहे हैं। चलिए तो अब हम कुछ और टर्म्स जानते हैं पॉलीनोमियल से रिलेटेड। देखिए एक पॉलीनोमियल मैंने लिख लिया 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये पॉलीनोमियल है। देखो यहाँ पे ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इन सब की पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ 3 है या 2 है और यहाँ पे इसकी पावर क्या है? 1, तो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये पॉलीनोमियल है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें मैं दो टर्म और दो चीज़ें समझाना चाह रहा था कि टर्म क्या होता है, टर्म एंड डिग्री, ठीक है। आपके पास जो भी 9th क्लास की बुक, जो भी 9th क्लास की एनसीईआरटी या कोई भी बुक, आप उसमें जाइए पॉलीनोमियल चैप्टर को उठा के देखिए, उसमें टर्म डिग्री और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन सबको आप पढ़िए समझिए, ठीक है। उसके क्वेश्चंस करिए, बड़ी जल्दी कर लोगे आप क्वेश्चंस, एक या दो सेकंड लगेंगे, बहुत तेज़ी से आप देख के बता सकोगे कौन सा पॉलीनोमियल है या नहीं, इससे आपकी क्या होगी? प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आप समझ पाओगे पॉलीनोमियल क्या होता है। तो चलिए टर्म क्या कहते हैं, देखिए कोई भी यदि पॉलीनोमियल है, ठीक है, यदि उस
पॉलीनोमियल को प्लस और माइनस से अलग कर देते हैं, प्लस और माइनस से पार्ट सेपरेट कर देते हैं, तो वो क्या क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल लेके देते हैं, एट यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो एक्स क्यूब, यानी कि क्या है एक्स इंटू एक्स है, माइनस थ्री इंटू एक्स होगा और यहाँ पे एक और एक्स होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फाइव इंटू एक्स होगा और यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब यहाँ पे आप देखिए प्लस और माइनस का होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी प्लस का एट, तो देखो प्लस और माइनस के बीच में ये वाला पार्ट आ गया, इसके बाद ये माइनस और ये प्लस, इसके बीच वाला ये पार्ट आ गया, मल्टीप्लाई नहीं देखते केवल और केवल प्लस और माइनस के साइन देखते हैं, तो ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन, फिर यहाँ पे ये प्लस का साइन और ये प्लस का साइन और फिर यहाँ पे ये प्लस का साइन, तो एक दो तीन चार, इसमें कितने टर्म हो गए, चार टर्म हो गए, कितने टर्म हो गए, फोर टर्म, समझ गए। तो किसी पॉलीनोमियल में कितने टर्म है निकालने की, चलिए एक दो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। एट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसके अंदर कितने टर्म है, इसके अंदर दो टर्म है, एक ये और एक, ओके। यदि मैं बोलूँ एट एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन, इसमें कितने टर्म है, तो आपका जवाब होगा तीन टर्म है, एक दो एंड तीन, ठीक है। यदि मैं एक बार एग्जाम्पल दूँ एट एक्स की पावर फोर माइनस एटीन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टेन, इसमें कितने टर्म है, तो देखिए एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा और एक टर्म ये रहा, एक दो तीन चार पाँच टर्म है, टोटल कितने टर्म है, पाँच टर्म, ठीक है। तो इस पॉलीनोमियल में दो टर्म, इस पॉलीनोमियल में तीन टर्म है, इस पॉलीनोमियल में चार टर्म है, पाँच टर्म, ठीक है। यहाँ पे पॉलीनोमियल कैसे देखते हैं, ये देखिए सारे के सारे पॉलीनोमियल हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर टू है और यहाँ पे वेरिएबल की पावर वन है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों ही केसेस में, तो पॉलीनोमियल यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे चार है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे पावर एक है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर पावर है, तो यानी कि ये भी एक पॉलीनोमियल है, समझ में आ गया। तो टर्म क्या होती है ये बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करते हैं डिग्री, डिग्री क्या होता है, कोई भी पॉलीनोमियल दे दिया जाए उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस टेन, ठीक है। ये पॉलीनोमियल है, इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री होगी तीन, यहाँ पे ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इसमें पावर वन है, इसमें टू है और यहाँ पे तीन है, तो मैक्सिमम वेरिएबल की पावर क्या है, तीन, तो यही इसकी क्या होगी, डिग्री, डिग्री इस पॉलीनोमियल की क्या कहलाएगी, तीन कहलाएगी। आगे बस यहाँ पे कितनी डिग्री है, यहाँ पे भी तीन है, आपको दिख रहा है वन है या टू है या थ्री, तीन डिग्री होते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स की पावर फिफ्टीन प्लस एट एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, इस वेरिएबल की पावर फिफ्टीन है, यहाँ पे टू है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, फिफ्टीन, ओके। तो चलिए अब हम कुछ और चीज जान लेते हैं, कुछ और देखिए, ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप इसको बार बार सुन लीजिए तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। जरूरी चीज़ है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो टर्म के बेसिस पे हमने पॉलीनोमियल को नाम दिया, यदि उसमें एक टर्म हो, कितना टर्म हो, एक टर्म हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक पॉलीनोमियल जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि एक है, इसमें केवल एक टर्म है तो ये मोनोमियल पॉलीनोमियल, ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, या कुछ और क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें, एट एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स, ठीक है, वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स, ठीक है। और एग्जांपल ले लो, फिफ्टी एक्स की पावर तीन प्लस टेन, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लो, एट्टी एक्स पावर फोर प्लस टेन एक्स, ये सारे क्या है, बाइनोमियल है। इसमें दो टर्म है, एक ये रहा, एक ये, इसमें दो टर्म है, एक ये रहा, इसमें दो टर्म है, एक ये, एक ये, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, बाइनोमियल। यदि तीन टर्म होंगे, तीन टर्म होंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल, ठीक है। चार टर्म होते हैं तो इसका भी एग्जाम्पल देख देते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया एट एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो एक ट्राइनोमियल है, तीन टर्म, एक ये रहा, एक ये, ओके। इसके बाद यदि चार्ट, इसके बाद बस और आगे जाकर पॉलीनोमियल हो तो उसमें आप पता
फला पता चल जाएगा आपको कितने का, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे भी नाम रखे जाते हैं पॉलिनोमियल के, वो क्या होते हैं डिग्री, ठीक है। यदि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 यानी कि मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल को, ठीक है। यदि किसी की डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल लिख लो जैसे कि x, ठीक है, या फिर लिख लो 8x या लिख लो 18x, ठीक है। यहां पे 8x स्क्वायर नहीं कर सकता, कहीं कर सकता क्योंकि यहां पे डिग्री 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, उसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसमें टर्म ज्यादा हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है x x plus 10, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 1 है, ठीक है। और इसे टर्म के हिसाब से देखें तो ये क्या है, बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म है, ठीक है, इसकी डिग्री 1 है और टर्म 2 है, ठीक है। यदि डिग्री 2 हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्वाड्रेटिक, क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का।